मुरादाबाद में गाली गलौज के विवाद में एक छोटा हाथी वाहन चालक पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया और बुरी तरह से लहूलुहान कर दिया। चाकू से हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल कटघर थाना क्षेत्र का रहने वाला मोहम्मद शाकिब छोटा हाथी वाहन चलाता है। मोहम्मद शाकिब का कहना है कि वो करोला गली नंबर 1 से अपने मित्र का सामान लेकर छोटा हाथी वाहन से दूसरी जगह शिफ्ट करने जा रहा था। आरोप है कि इस दौरान उसके छोटा हाथी वाहन के डाले की चेन वहां पर बैठे कुछ युवकों से टकरा गई। आरोप है कि इसके चलते उन युवकों ने उसके साथ गाली गलौज की और चाकू घोंप दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कटघर थाना क्षेत्र की घटना है। चौकी दस सराय क्षेत्र में एक व्यक्ति को किसी लड़के ने पीछे से चाकू मारा था, जो घायल था, उसे अस्पताल लाया गया है। ये कटघर थाना क्षेत्र की कल की घटना है। चौकी दस सराय क्षेत्र में एक व्यक्ति को किसी लड़के ने एक पीछे से चाकू मारा था और जो इंजर्ड था उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसका नाम साकिब है, ये असारतपुरा थाना गज क्षेत्र रहने वाला है। और वो व्यक्ति जिसने मारा था उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। और जो इंजर्ड था उसको हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाया गया, वो सुरक्षित है। इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या सामने आया सर, जिस वजह से चाकू मारा? कोई ऐसा बड़ा विवाद नहीं है। इसका कहना था जिसने चाकू मारा है कि उसको ये कभी मिलने पर गाली देता था, वो क्योंकि एक छोटा हाथी चलाता है, वो उसी पर की कोई बात हुई है, उसी में इसने चाकू से प्रहार किया था। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।